तो गाइस जो हमारा पेट ऐप है राइट, अब इसमें हमें क्या करना है, कर्सर अडेप्टर शो करना है। तो बेसिकली गाइस जो कर्सर अडेप्टर है वर्क कैसे करेगा, जो हमारा लिस्ट व्यू में है, जैसे अभी एरे अडेप्टर हमने मिवॉक में यूज़ करा था राइट, ऐसी हम क्या यूज़ करेंगे, अब कर्सर अडेप्टर को वर्क करेंगे किस में, लिस्ट व्यू में व्यूज़ देने के लिए गाइस। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हमारे मिवॉक में एरे अडेप्टर क्या कर रहा था, फीड कर रहा था, अब क्या करेगा लिस्ट व्यू में जो हमारा पेट ऐप है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा पोजीशन 0 में, किसमें, कर्सर अडेप्टर में। तो सिंपल जो लिस्ट की 0 पोजीशन थी उसकी वैल्यू फेच करके दे देता है राइट। लेकिन गाइज जब हम इसकी 0 पोजीशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कर्सर जो होता है उसके भी क्या होता है, ऐसी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। तो गाइज ये भी बेसिकली क्या करेगा, 0 पे रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन जब ये 0 पे रिक्वेस्ट करेगा तो जो पूरी रो होगी वो फैच होगी। अब वो अलग बात है गाइज हमने क्वेरी में कौन से इंस्ट्रक्शन दिया प्रोजेक्शन में कि क्या क्वेरी में प्रिंट होना है वो उसके हिसाब से प्रिंट होगा, लेकिन ये फैच क्या करेगा, पूरी की पूरी रो फैच करेगा। तो बेसिकली इसने कहा कि मुझे 0 पोजीशन पे जो लिस्ट व्यू ने रिक्वेस्ट करी किससे, कर्सर अडेप्टर से, और कर्सर अडेप्टर कहा गया सोर्स पे गया, सोर्स कहाँ है गाइस, जो हमारा कर्सर का पेट्स की वो है, और उसके साथ एक कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि इसे कैसे दिखाना है किसमें, लिस्ट आइटम व्यू में। तो बेसिकली उसने कहा अच्छा, उसने ये फर्स्ट रो थी उसको क्या करा गाइस, पढ़ लिया एंड क्या रिटर्न कर दिया किस पे, हमारे ऐप पे, उसने कहा देयर यू गो, और वो फेच हो गया। इसके बाद गाइस फिर रिक्वेस्ट आई कि अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो शो कर दो, तो वो शो करने की रिक्वेस्ट आई, फिर से कर्सर अडेप्टर ने उसे हैंडल करा एंड गाइज उसे दोबारा से किसमें, हमारा जो ऐप है उसमें क्या रिक्वेस्ट करके फीड कर दी। फिर हमारे पास आई पोजीशन 2 की रिक्वेस्ट, कर्सर अडेप्टर ने उसे हैंडल करा एंड थर्ड जो हमारी रो है, वैसे तो सेकंड रो है अगर आप इंडेक्सिंग के हिसाब से देखो 0 1 2, और वैसे हमारी क्या है थर्ड रो हो गई। तो उसने थर्ड रो की पोजीशन 2 की क्या जो इंफॉर्मेशन है वो फैच करके दी और किस में दे दी, लिस्ट व्यू में दे दी है। ऐसे करके गाइज ये कब तक रिक्वेस्ट करता रहेगा, जब तक हमारे कर्सर अडेप्टर का जो डेटा सोर्स में जब तक कर्सर में डेटा है वो तब तक रिक्वेस्ट करता रहेगा। जब वो खत्म हो जाएगा, जब तक पूरा, या तो गाइज दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे कर्सर में कोई और पैट ना हो, या फिर हमारा जो स्क्रीन है वो फुल हो जाए ऑलरेडी सारे, उसमें कुछ वो ना हो, तो वो वहां पे रुक जाएगा। अब गाइज जब मैंने कहा कि जब हमारा स्क्रीन फुल हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि गाइज जब तक हम स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करेंगे, आगे का लोड तब होगा जब हम स्क्रॉल करेंगे। क्योंकि गाइज इस चीज में कंफ्यूज मत होना, जैसे हम मिवॉक में था रिसाइकलिंग व्यूज क्यों यूज करते थे हम, कि जब तक मैं उसे स्क्रॉल नहीं करूंगा वो लोड नहीं होगा, ऐसी कर्सर में होता है। कर्सर में भी वही चीज अप्लाई होगी क्योंकि इसमें भी क्या होगा, रिसाइकलिंग चलेगी गाइज। तो या तो सारे पैट खत्म हो जाएंगे, मतलब अगर इसमें 6 पैट हुए और वो इस स्क्रीन में आ गए तो ठीक है। अब गाइज अगर इसमें 8 पैट हुए और वो 6 पूरे स्क्रीन में आ गए, 2 बच गए, तो वो 2 क्या होंगे, वो लोड नहीं होंगे, होंगे अवेलेबल बट लोड नहीं होंगे। तो जैसे ही मैं अगर स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन को तब लोड होंगे, और जो ऊपर वाले 2 होंगे जो लोड होके ऊपर चले जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, वो किसमें चले जाएंगे गाइस, रिसाइकलिंग व्यू में। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमारे रिसाइकलिंग व्यू जो हमारी लिस्ट व्यू की फंक्शनैलिटी थी जो हमें बेनिफिशियल देती थी वो किसमें यूज कर लेंगे हम, हमारे कर्सर अडेप्टर में। और बेसिकली गाइस जैसे ही ये सारा प्रोसेस हमारा डन हो जाएगा, हमारे जितने भी क्या होंगे, हमारे जितने भी पैट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे किसमें, हमारे ऐप में। तो गाइस हमारी नेक्स्ट फोकस क्या है, नेक्स्ट फोकस हमें ये रखना है गाइस, हमारा जो कोडिंग टास्क है कि कैसे अब जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी थी उसे चेंज करना है, किस लिए, कि वो कैसे कर्सर अडेप्टर को हैंडल करे कि ताकि वो जो लिस्ट व्यू है जो अभी हमारा सिंगल टेक्स्ट व्यू में हम डिफाइन कर रहे थे और डिस्प्ले कर रहे थे, अब उसे चेंज करके हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू करना है, और कर्सर अडेप्टर के थ्रू हमें क्या करना है गाइज, डिस्प्ले करवाना है। तो गाइज मैंने अभी तक आपसे क्या बात करी है कि कैसे हम पैट्स ऐप में लिस्ट व्यू कैसे करेंगे, फीड करेंगे किसकी हेल्प से, कर्सर अडेप्टर की हेल्प से राइट। और मैंने आपको कैसे बताया कि एक कर्सर अडेप्टर, एक तो होगा कर्सर ऑफ पैट्स जिसमें क्या है हमारा डेटा स्टोर है, और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसकी हेल्प से हम वो डेटा फेच करेंगे। अब गाइज ये समझना, हमें ये भी समझना होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कौन से इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्योंकि गाइज हमें लिस्ट व्यू क्लियर है, हमें जो सोर्स है हमारा जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है जो डेटाबेस है वो क्लियर है, लेकिन ये कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे कर्सर अडेप्टर पे जाएंगे जो पूरे इस प्रोसेस को वर्क करेंगे। तो इसे समझ लेते हैं कौन किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो गाइस बेसिकली जो हमारा कर्सर अडेप्टर वर्क करेगा वो किससे वर्क करता है, 2 चीजों से वर्क करता है, एक तो जो हमारा डेटा सोर्स होता है, एक क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो क्या करता है लिस्ट व्यू में शो करता है राइट। तो गाइस हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कर्सर होगा वो क्या होगा, अगर जब हमारी जीरो पोजीशन पे होगा और उस पर रिक्वेस्ट करेगा लिस्ट में क्या पोजीशन जीरो पे, राइट। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन बेसिकली होगा क्या गाइस, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचो तो जो हमारा लेआउट है वो भी इन्फ्लेट होना है, राइट। क्योंकि जो हमारा लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू में कहीं ना कहीं हमारे दो टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो रहे होंगे। अब अगर हमारे दो टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो रहे होंगे, इन्फ्लेट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमने लिस्ट व्यू कहीं पे एक क्या कर रखा होगा, डिफाइन कर रखा होगा, क्या XML लेआउट, जो क्या करेगा, इन्फ्लेट करेगा। कौन? लिस्ट व्यू। किसकी हेल्प से? हमारे कर्सर एडेप्टर की हेल्प से। तो जो हमारा XML लेआउट है गाइस उसमें क्या बन जाएंगे, दो टेक्स्ट व्यू। ये हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ओके कि जब हमारे लिस्ट व्यू ने रिक्वेस्ट करा डेटा तो हमारा क्या इन्फ्लेट हो गया, हमारा जो लेआउट था वो इन्फ्लेट हो गया, उसमें हमारे दो टेक्स्ट व्यू आ चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा गाइस, कि जो हमारा लेआउट इन्फ्लेट हुआ है जिसके अंदर क्या है हमारे दो टेक्स्ट व्यू हैं, उसको हमें पॉपुलेट भी करना है। अब जब मैं कह रहा हूँ गाइस पॉपुलेट करना है, पॉपुलेट मतलब उसमें कुछ ना कुछ इनपुट भी देना है उन दो टेक्स्ट व्यू में। तो अब जब गाइस हमारा कर्सर कहाँ मूव हुआ, जीरोथ पोजीशन पे, और उस जीरोथ पोजीशन पे जो हमारा डेटा था वो इनपुट हुआ, फेच होके आया। तो वो कहाँ इनपुट होगा गाइस, जब हमारा फर्स्ट वाला डेटा फेच होगा कहाँ से, जो हमारे कर्सर से किस में आएगा गाइस, जो हमारा इन्फ्लेट हुए थे क्या दो टेक्स्ट व्यू, तो वो किस में आ गए, हमारे इसमें पॉपुलेट होने के लिए आ गए पहले टेक्स्ट व्यू में। तो जो डेटा था, फर्स्ट जो डेटा था मेरा लिस्ट व्यू का, वो किस में आ गया, हमारा जो टेक्स्ट व्यू था, जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट व्यू था उसमें आके किस में आ गया, टॉमी। और जो सेकंड टेक्स्ट व्यू था जब दूसरा डेटा फैच हुआ तो उसमें क्या आ गया, उसकी ब्रीड आ गई गाइस, पोमेरेनियन। ओके तो गाइस जब यहाँ तक हमारी नेम और ब्रीड आ गया तो इस चीज का हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि ये जो हमारे लिए क्रिएट हुआ है गाइस, राइट, ये जो हमारा लिस्ट व्यू क्रिएट हुआ, एक क्या हुआ व्यू क्रिएट हुआ, उसमें दो टेक्स्ट व्यू हैं, तो ये क्रिएट हुआ है अभी सिर्फ एक उसके लिए, किसके लिए, सिर्फ एक डेटा के लिए। जब अगर गाइस लिस्ट व्यू दोबारा रिक्वेस्ट करेगा पोजीशन 1 के लिए डेटा, तो यही प्रोसेस हमारा क्या होगा, दोबारा रिपीट होगा। अब जब मैंने क्या करा, पोजीशन 1 पे रिक्वेस्ट करा, तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, एक अलग से व्यू क्रिएट होगा जिसमें दो टेक्स्ट व्यू होंगे। अब हमारा जो कर्सर है गाइस वो किस पे जा चुका है, पोजीशन 1 पे, रो 1 पे जा चुका है इंस्टेड ऑफ रो 0 पे, क्योंकि रो 0 की ऑलरेडी वैल्यू फीड होके व्यू में शो हो चुकी है लास्ट उसमें, राइट। अभी हमने समझा उसे। अब गाइस लिस्ट व्यू में इसीलिए ये चीज अलग होती है कि जो हमारे जब हम एक जो हमारे लीनियर लेआउट, और इसमें क्या डिफरेंस होता है गाइस कि ये इंडिविजुअल व्यूज होते हैं, बहुत सारे व्यूज का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो गाइस ये व्यू क्रिएट हुआ, उसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू है जो हमने डिफाइन कर रखे होंगे, कहीं ना कहीं इसका लेआउट बना रखा होगा कि एक हमारा व्यू है उसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पे फिर से क्या इन्फ्लेट हुआ हमारा लेआउट, उसके अंदर एक व्यू आया, व्यू के अंदर दो टेक्स्ट व्यू है। तो जब ये इसने रो 1 पे पोजीशन पे गया, सबसे पहला काम इसने ये किया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है गाइस, हमें रो 1 से जो डेटा फैच होगा उसे क्या करना है, पॉपुलेट करना है। कौन से? दोनों जो हमारे टेक्स्ट व्यू थे। तो जो दोनों हमारे टेक्स्ट व्यू थे गए वो सिंपल मैं क्या करूंगा, रो 1 से डेटा फैच करा, पहले हमारे पेट का नाम क्या होगा, गारफील्ड, वो क्या हो गया उसमें आ गया गाइस टेक्स्ट व्यू में। और जो हमारी दूसरी उसकी ब्रीड थी वो भी किस में आ गई, हमारे सेकंड वाले कर्सर में आके लोड हो गई है। तो गाइस ये बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिस्ट व्यू है वो वर्क कैसे करता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा था वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं, यही होते हैं कि दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, कि जिसका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, लेआउट क्रिएट करना, इन्फ्लेट करना, जिसमें एक व्यू इन्फ्लेट हो रहा है जिसमें दो टेक्स्ट व्यू हैं, और दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरे प्रोसेस में जो हमारा डेटा है वो मूव होगा, और जो टेक्स्ट व्यू इन्फ्लेट हुए थे, जो हमारा व्यू इन्फ्लेट हुआ था उसमें वो डेटा इनपुट करके शो करना। तो अगर गाइज इसमें थोड़ा सा हम अभी तक तो यहाँ तक का जो हमारा क्या है पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मिवॉक तक का है गाइस, जो हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और इसमें कोई नई चीज नहीं आई है। अब मैं इसमें एक नई चीज सीख लेते हैं, क्योंकि गाइस ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, रिपीटेटिव है। मतलब जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो भी हमारा लगातार हो रहा है, जो सेकंड वाला स्टेप है वो भी हमारा लगातार हो रहा है, राइट, बार बार रिपीट पे जा रहे हैं। क्योंकि इस एरे लिस्ट में और हमारे कर्सर में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, कर्सर लोडर हमारा क्या है, चल रहा है, कर्सर हमारी एक रो को फैच कर रहा है, राइट। तो इसकी हेल्प से गाइस हम इन स्टेप्स को और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। कैसे? कि मैं सिंपल जो हमारा जहाँ पे लेआउट क्रिएट, जो लेआउट इन्फ्लेट हो रहा था, राइट, जहाँ पे हमारा व्यू इन्फ्लेट हो रहा था और जिसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू थे हमारे, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, एक नाम दे सकता हूँ न्यू व्यू मैथड। न्यू व्यू मैथड मैंने इसका क्यों नाम दिया, क्योंकि गाइज एक नया व्यू क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर दो हमारे टेक्स्ट व्यू हैं, राइट, मतलब एक नया लेआउट इन्फ्लेट हुआ जिसके अंदर हमारे व्यूज हैं। अब वो गाइज व्यूज इन्फ्लेट कर रहे हैं जिसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया इस मेथड का न्यू व्यू मेथड। अब इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइज, जब मैंने ये कहा कि एक न्यू व्यू मेथड है, इसका मतलब है जो न्यू व्यू मेथड है इसमें अभी क्या एम्प्टी है, क्योंकि ये जो न्यू व्यू मेथड है सिंपल क्या है, इन्फ्लेट हो रहा है, इसमें कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। अब गाइज जो हमारा दूसरा वाला स्टेप था, मैं उसको एक अलग मेथड का नाम दे सकता हूँ और उसे क्या दे सकता हूँ, बाइंड व्यू मेथड। अब बाइंड व्यू मेथड क्यों दिया, क्योंकि मैं जो डेटा है, जो हमारा न्यू व्यू मेथड था वो क्या था, एम्प्टी था, और जो हमारा अब है उसे क्या कर रहे हैं, हम बाइंड कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम दे सकता हूँ बाइंड व्यू मेथड। और इस चीज में हमें गाइज एक बेनिफिट और भी है, क्योंकि गाइज जो हमारी कर्सर अडेप्टर है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके जो मेथड्स होते हैं वो फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं होते हैं, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हमें अपनी क्लास खुद राइट करनी पड़ती है। तो जो हमारे ये न्यू व्यू मेथड एंड बाइंड व्यू मेथड है, हम सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कर्सर अडेप्टर है उसको भी क्या हम अपने हिसाब से चेंज करके अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इन मेथड्स का गाइज बेसिकली यूज क्या है, आप कहोगे यार ये हमें जो पुराना मेथड था हम तो वैसे भी वर्क कर रहे थे, राइट, ये वाले मेथड हम इन द फर्स्ट प्लेस यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो गाइज इसका मेन फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमारी ये है, इन्हें लिखने का मेन रीजन जो है कि जरूरी नहीं है हमेशा हमारा न्यू व्यू मेथड ही रन हो फर्स्ट, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है एंड सेकंड स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप रन होगा उसके बाद सेकंड स्टेप रन होगा। अब गाइज एक दूसरी कंडीशन आप सोचो, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा चलो इन्फ्लेट हुआ, व्यू इन्फ्लेट हुआ, तो हमारा न्यू व्यू मेथड चला, मतलब यूजर ने स्क्रीन खोला, राइट, तो उस पर उसे 3 पैड दिखे। अब हो सकता है पूरे के पूरे स्क्रीन में 3 या 4 पैड दिख रहे हो गाइस, तो हमारा क्या क्रिएट हुआ, न्यू व्यू मेथड क्रिएट हो गया, उसने व्यू क्रिएट कर दिए। अब जब मैंने ऊपर स्क्रॉल करा तो और 4 पैड या 3 पैड आ गए स्क्रीन में, तो जो पुराने मेथड थे अब वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अब जो मेथड ऑलरेडी जो हमारे पैड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसमें, जो हमारे इन्फ्लेट हो चुके हैं एंड क्रिएट हो चुके हैं, पॉपुलेट भी हो चुके हैं, किसके, बाइंड व्यू मेथड की हेल्प से। तो गाइस अब इसमें हमारी एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात ये आ गई, अब जब मैं उसे स्क्रॉल बैक दोबारा नीचे करूंगा तो उसके लिए कोई नया क्रिएट तो हो नहीं रहा, हमारी ऑलरेडी उसकी पोजिशंस गई हुई हैं, ऑलरेडी स्टोर्ड थी। तो गाइस इसमें हमारी कौन सी एक नई पॉसिबिलिटी आ गई कि हो सकता है जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो व्यू मेथड है, वो कभी रन ही ना हो,